हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरी बच्ची 3 साल में कैसे लिखती थी। मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को देखी थी, वो 4 साल होते पर भी उन्हें स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन डालना तक नहीं आता था, उसका ट्रेसिंग तक नहीं आता था। मेरी बेटी 3 साल में कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स बिना देखे वो लिख सकती थी। अगर मैं कैपिटल ए बोलती हूँ तो उसको बोलती है स्मॉल ए लिखने के लिए, वो स्मॉल ए लिखती थी, वाइस वर्सा भी करती थी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी मैंने अपनी बेटी का ट्रेनिंग लिखने का कैसे किया था, कैसा शुरुआत की थी और कब शुरुआत की थी। मेरी बेटी बचपन में बहुत एक्टिव थी तो मुझे नहीं पता होता कि मैं करूँ क्या उससे। वो बहुत चालाक थी, बहुत एक्टिव रहती थी, तो कुछ ना कुछ करती रहती थी तो मैं परेशान हो जाती थी उससे। तो मैं सोचा तब चलो इसको पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, इतना एक्टिव है तो इसको बिजी करने के लिए मुझे पढ़ाई की शुरुआत करने की ये पड़ा था, ज़रूरत पढ़ा था। ऐसा मैंने उसकी पढ़ाई स्टार्ट किया था, तब वो 1 साल की थी। मैं डिसिप्लिन में बहुत मानती हूँ, पहले से वो डिसिप्लिन थी, उसका सोना उठना स्लीपिंग टाइम नैप टाइम ये पूरे स्पेसिफिक टाइम पे होते थे, तो उसी टाइम में मैं उसका स्टडी टाइम भी इंक्लूड कर दिया था। तो वो शाम सो के उठने के बाद उसकी स्टडी टाइम मैंने रखा था। तो वो जब छोटी थी फीडिंग चेयर पर बैठती थी खाने के लिए, तो वो ख़त्म होने ही मैं उसका स्टडी टाइम रूटीन बनाया था। तो कब भी वो शाम पे उड़ती है और थोड़ा खाने के बाद उसको पता चलेगा अब मुझे मम्मा स्टडी टाइम करेगी। मैंने उसको बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी किया था, उसके साथ में थोड़ा पढ़ाई भी करती थी, उसको पेपर देती थी स्क्रिबल करने के लिए। तो वो कलर स्केच पेन, मैंने स्केच पेन्स दिया था, मार्कर्स क्रैंस ऐसे कुछ नहीं दिया था, सिर्फ स्केच पेन्स ही दिया था। तो वो स्केच पेन से आराम से स्क्रिबल करती थी। मैंने उसका एक किताब भी मेंटेन किया था, वो जो पहली बार स्क्रिबल किया था वो एक जर्नल भी मेंटेन किया था। अभी वो मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे मायके पे है, वो मैं आपको कभी बता दूंगी। ऐसे पहला वो स्केच पेन से स्क्रिबल करना जानती थी, तो उसको मैं बुक देती थी और कलर ऐसे स्केच पेन्स देती थी, वो स्क्रिबल करती रहती थी। ये इसका 1-2 मिनट का ऐसा एक एक्टिविटी था स्क्रिबल करने का। ये मैं रूटीन पे करती थी, उसको डेली करती थी कि ऐसा 1 महीना करने के बाद उसको मैं ना स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन्स बनाने का सिखाया था, ऐसा करे स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन्स, ऐसे ही मार्कर से स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन्स करने का शुरुआत की थी। तो कभी उसको मार्कर देते उसको पता है कि उसको करना क्या है, तो ऐसे ऐसे वो स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन्स शेप्स जैसे कि सर्किल ट्राइंगल तो वो सारे सीखी थी। तो मैंने उसके लिए थोड़े पैटर्न्स भी बनाया था, मैं वो आपको बताऊंगी अभी। ऐसे में स्लीपिंग लाइन्स स्लैंटिंग लाइन्स बहुत सारे पैटर्न्स मैंने बनाया था, इन्हें मेरे दोनों बच्चे और मेरे ट्यूशन के बच्चे ने इसको बहुत ख़राब किया, अभी मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स और शेप्स बनाया था। तो इस पे वो ट्रेस करती रहती थी और साथ में मैंने उसको ट्रेसिंग के लिए बुक्स भी दिया था, उस पे भी वो अपना ट्रेसिंग करती रहती थी। तो ऐसा धीरे धीरे करके वो 3 साल में खुद से अल्फ़ाबेट्स लिखने लगी है। ये था मेरा रूटीन और प्रोसीजर, ऐसे मैंने अपनी बेटी को सिखाया था। आप भी ऐसा करोगे तो आपके बच्चे भी ज़रूर एक ना एक दिन लिखेंगे। सो यही है मेरा प्रोसेस था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट होता है तो मुझे लाइक करना भूलना मत। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।